आज हम बात करेंगे कोक स्टूडियो पर, जिसके गाने तकरीबन सभी मुल्कों पर ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, सिवाय हमारे मुल्क पाकिस्तान के। हैरान ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े डिफरेंट हैं। वो सब आर्टिस्ट जिनको पूरा साल कोई मुंह ही नहीं लगाता, कोक स्टूडियो के आते ही उनके फैंस कीड़े मकोड़ों की तरह बिलों से निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें नए आने वाले आर्टिस्ट को बेइज्जत भी तो करना होता है। कोक स्टूडियो के चैनल पर आपको इंडियन फैंस के कमेंट्स में आधार कार्ड के साथ साथ उनके घर का पता भी मिल जाएगा। हमारे मुल्क में एक आर्टिस्ट की कदरी तब की जाती है जब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाला हो या हो चुका हो। अगर इस बात का आपको यकीन ना आए तो आप सबके फेवरेट लेजेंड नुसरत फ़तेह अली खान पर 80 की दहाई में होने वाली कवालियों में सांस बजाने की तनकीद को आप अपने वालिदैन से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया की पीस टॉक कोक स्टूडियो के कमेंट बॉक्स में करवानी चाहिए, क्योंकि सारे इंडियंस उधर ही तो आते हैं। कोक स्टूडियो को कवर सॉन्ग्स की जगह ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाने चाहिए, क्योंकि कवर सॉन्ग्स में वो बात नहीं होती जो ओरिजिनल में होती। और मुझे खुशी है कि रॉयल हयात वापस आ चुके हैं। कोक स्टूडियो की इब्तदा हमेशा किसी मिली नगमे या फिर नाच से होती है, क्योंकि ये सीधा आवाम के दिलों पर असर करता है। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सीज़न पिछले आने वाले कई सीज़न से काफ़ी बेहतर है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले सीजन्स इससे भी बेहतर होंगे। उमर स्पीक्स की ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें।